हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो फ्रिक इंडिया। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्स सेल्स करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी आने वाले समय में 5 बेहतरीन कार्स लॉन्च करने वाली है, जिसमें हैचबैक, मिडसाइज एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट की व्हीकल्स शामिल है। इन कारों में न्यू जनरेशन विटारा ब्रीजा, सुजुकी जिमनी और 3 अमेजिंग कार्स शामिल है। इस वीडियो में मैं आपको इन 5 कार्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आने वाले सभी न्यू कार्स के जरिए मारुति सुजुकी मिडसाइज एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट के साथ ही हैचबैक सेगमेंट में भी पूरी तरह अपना जलवा दिखाना चाहती है। और किया सेल्टोस, एमजी हेक्टर, ह्युंडई क्रेटा, ह्युंडई वेन्यू, एमजी ग्लोशर और टाटा हैरियर जैसे एसयूवीज के साथ ही ह्युंडई i20 और टाटा अल्ट्रोज जैसे हैचबैक कारों के सामने भी चुनौती पेश करना चाहती है। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं इन कार्स के बारे में। नंबर 1, न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा। विटारा ब्रीजा मारुति सुजुकी की बेहद पॉपुलर मिडसाइज एसयूवी है, जिसकी हाईएस्ट सेल होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में किया सोनेट जैसे कार्स के आने के बाद इस कार्स की सेल पहले से काफ़ी कम हुई है। अब मारुति सुजुकी इस कार को नए अवतार में पेश करने वाली है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स के साथ ही शानदार लुक में आएगी। मारुति सुजुकी इस कार को टोयोटा के DNGA प्लेटफॉर्म पर डेवलप करेगी। ये कार न्यू डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आ सकती है। मारुति सुजुकी की न्यू जनरेशन विटारा ब्रीजा 2022 के सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च हो सकती है। नंबर 2, मारुति सुजुकी जिमनी। मारुति सुजुकी की इस बेहतरीन ऑफ रोड एसयूवी का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। मारुति सुजुकी जिप्सी बंद होने के बाद कंपनी ने जब जिमनी का प्रोडक्शन शुरू करने की घोषणा की तो जैसे लोगों की इच्छा पूरी हो गई। इस कॉम्पैक्ट ऑफ रोडर की झलक इस साल ऑटो एक्सपो में दिखी थी, तब से लोगों में इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि मारुति सुजुकी जिमनी के 3 डोर ऑप्शन को अगले साल यानी 2021 में लॉन्च किया जाएगा। वही जिमनी के 5 डोर ऑप्शन को ईयर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस कॉम्पैक्ट ऑफ रोडर में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। नंबर 3, मारुति सुजुकी बलेनो बेस्ड क्रॉसओवर। मारुति सुजुकी आने वाले समय में इंडिया में एक डासू कार लॉन्च करेगी, जो बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से मुकाबला करने वाली है। ये कार मारुति की पॉपुलर हैचबैक बलेनो पर बेस्ड होने वाली है। हालांकि ये कार बलेनो से ज्यादा पावरफुल होगी। मारुति सुजुकी की ये न्यू कार मिडसाइज एसयूवी और हैचबैक सेगमेंट के बीच की कार होने वाली है, जो कि बेहद जबरदस्त लुक, स्टाइल और फीचर्स के साथ आने वाली है। मारुति सुजुकी की इस क्रॉसओवर को 2021 में लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 4, मारुति सुजुकी हसलर। मारुति सुजुकी जल्दी इंडिया में एक जबरदस्त मिडसाइज एसयूवी लॉन्च करने वाली है, जो ह्युंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और एमजी हेक्टर के साथ कई और कार्स को टक्कर देगी। इसे मारुति टोयोटा के पार्टनरशिप में डेवलप किया जाएगा और इस कार का प्रोडक्शन इंडिया में कर्नाटक के प्लांट में होगा। ये एसयूवी इंडिया के रोड्स पर हमें 2022 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। अभी जो कार हमारे नंबर 5 पर है, उसके कोई डिटेल्स और नाम तक रिवील नहीं हुआ है, पर यह बात कंफर्म है कि ये एक एमपीवी होने वाली है, जो मारुति सुजुकी महिंद्रा एक्सयूवी 500 और एमजी हेक्टर प्लस जैसे कार्स को टक्कर देने को उतारने वाली है। ये कार टोयोटा सुजुकी पार्टनरशिप के अंडर बनाने वाली है और ये इनोवा क्रिस्टा की सुजुकी एडिशन एमपीवी होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।